कल की क्लास में हमने ब्लाउज की कटिंग सीखी थी, उसमें आपके कमेंट आए कि हमें प्लेट डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी टिप देके आपको ये बताने वाली हूँ कि ब्लाउज में प्लेट कैसे डालें। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट सर्चेबल टॉपिक है और बहुत से लोगों को जो गलतियां कर देते हैं प्लेट डालने पे, क्योंकि फिटिंग ब्लाउज की तभी आती है जब प्लेट सही से डले। तो आज इस वीडियो में हम प्लेट का जो परफेक्ट तरीका है वो बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं गीत कौशिक और आपका मेरे चैनल गीत बुटीक में स्वागत है। तो वीडियो को बड़ा न करते हुए शुरू करते हैं अपने ब्लाउज में प्लेट डालना। जैसे कि फ्रेंड्स कल हमने ब्लाउज कट कर लिया था, ओनली आपको प्लेट में प्रॉब्लम थी, तो मैं प्लेट डालनी आपको बता देती हूँ। सिंपल आप जैसे कटिंग करते हैं कर लेना, आपको क्या करना प्लेट लेंथ नापनी है। प्लेट लेंथ मैं आपको नाप के बता देती हूँ, हमारी 10.5 पे आई है, तो यहाँ पे हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे हमारी प्लेट लेंथ का और इसे हम सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया। इसके बाद हम अपना यहाँ पे 3.5 या 3 आप इतना रख सकते हो, उस पे एक निशान लगा लोगे। निशान लगा के इस प्लेट को आप सीधा कर दोगे। सबसे पहली बात, ये हमारी मेन प्लेट होती है, इसी में से सभी प्लेट जाती है, ठीक है। इधर की साइड आपको 2.5 इंच नीचे रखना है, आपको ध्यान रखना, आपको 2.5 इंच नीचे रखना है। यहाँ पे हमारा ये फिटिंग का निशान था, तो वो भी मैं एक बार आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये हमारा फिटिंग का निशान था, यहां से 2.5 इंच नहीं, फिटिंग के यहां से हमें 2.5 इंच ले लेना है। बहुत ही आसान है, आप 2 इंच भी लोगे तो भी ठीक रहेगा, 2.5 इंच लोगे तो भी आपका ठीक रहने वाला है, ठीक है। इसे अब हम ये जो हमारा मेन पॉइंट आया इसमें मिला देंगे, ठीक है। दो प्लेट डल गई। इसके बाद हम ये प्लेट डालेंगे। ये प्लेट आप यहां से, ये सीधा निशान है, यहां से ओनली आप 1.5 इंच रखोगे। 1.5 इंच पे निशान लगाया और उसके बाद फिर इस पॉइंट पे, उसके बाद फिर इस पॉइंट पे आपको ये मिला देना तिरछा, ठीक है। अब रहा हमारा आर्म होल का, आर्म होल का जो हमारा कट बनता है उस कट से इसे मिला देंगे। ये सभी डल गई। अब हम क्या करेंगे, जो आप ये पूछ रहे थे इसमें आपको बहुत डाउट आ रहा था, स्मॉल साइज जिसकी बस्ट हल्की हो उसका 1.5 इंच, मीडियम साइज मतलब 36 से 40 इंच तक 2 इंच पे रखोगे, 40 से ऊपर आप ये 2.5 इंच पे रखोगे, ठीक है। ये हमारी एक प्लेट डल गई। उसके बाद अगर यहाँ पे आपने 2 इंच लिया है तो यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे एक निशान लगा लेना है। दूसरी प्लेट हमारी यहां से यहां डल गई। तीसरी प्लेट पे भी हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद ये प्लेट हमारी ज्यादा लंबी नहीं होती, आप यहाँ पे 2.5 इंच ले लेना या फिर 3 इंच ले लेना। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये तीनों निशान हो गए। यहाँ पे हमारी राउंड शेप बननी चाहिए क्योंकि हमारी बस्ट इसके अंदर फिट होगी, ठीक है। इस तरीके से राउंड शेप बननी चाहिए। अब हमारी जो प्लेट है मैं अलग कलर से आपको बता देती हूँ। अब प्लेट हम कैसे डालेंगे, ये 1/2 इंच की होनी चाहिए हमारी प्लेट डलेगी। इस जो ये क्रॉस बनाया है यहां से यहां तक की कुछ ऐसे, ठीक है, 1/2 इंच होना चाहिए और फिर यहाँ पे मिलाना है। ये यहां तक ही आएगी, ठीक है, ये भी यहां तक ही आएगी, जो ये हमारा पॉइंट हमने बनाया था आप देख सकते हैं, ये भी हमारी इस पॉइंट तक आएगी और ये हम थोड़ा सा इन प्लेट से ये थोड़ी सी मोटी हम ये डालेंगे ताकि यहाँ का कपड़ा हमारा कम हो जाए। उसके बाद ये हमारी बची, ये जितना आपकी कमर में अंतर हो ना, जैसे 40 की आपकी बस्ट हो गई और आपकी 32 की कमर हो गई, जितना भी अंतर है उतनी ये प्लेट डलेगी यहाँ पे, ठीक है। मतलब 36, मान लो आपकी 36 की बस्ट है, 32 की कमर है, तो 9 यहाँ पे आया, 8 यहाँ पे आया, तो 1 इंच का अंतर होगा, तो यहाँ पे वो 1 इंच की आपकी प्लेट डलेगी। ऐसे ये प्लेट
प्लेट लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने ब्लाउज की प्लेट डालनी आपको बता दी है। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे, तो कल की वीडियो भी देखना मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।